तुमने इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया है तो मतलब तुम लोग डीमन स्लेयर सीजन 3 का 9th एपिसोड देख के आ चुके हो। तो जितने लोगों ने डीमन स्लेयर का 9th एपिसोड नहीं देखा तो पहले तुम लोग जाके वो एपिसोड देखो, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग डीमन स्लेयर सीजन 3 के 9th एपिसोड जिसका नाम है द मिस्ट हासिरा मुइचिरो तोकितो, उसी के बारे में बात करेंगे। और उस एपिसोड के लिए आज के इस वीडियो में कुछ स्पॉयलर्स भी हो सकते हैं, तो फिर आगे अपनी मर्जी से ही बढ़ना अगर तुम लोगों ने एपिसोड नहीं देखा है। तो जो चीज मैंने थंबनेल और टाइटल में कही वही चीज मैं इस वीडियो में भी कहूंगा कि इस एपिसोड ने मुझे टोटली डिसअपॉइंट किया है। टोटली जो भी चीज मैं इस एपिसोड से एक्सपेक्ट कर रहा था इस एपिसोड ने वो मुझे नहीं दी, बिकॉज इसके एपिसोड 8 में हम लोगों ने मुइचिरो की बैक स्टोरी देखी और उसके साथ साथ हम लोग मुइचिरो वर्सेस ग्योको के शुरुआत में पहुंच गए थे उस एपिसोड में। और इस एपिसोड में सब लोग एक्सपेक्ट करके बैठे थे कि बहुत भयंकर वाली फाइट देखने को मिलेगी द मिस्ट हासिरा वर्सेस अपर मून 5 के बीच में, लेकिन वैसा हुआ कुछ भी नहीं। लिटरली इन लोगों ने अपना आधा का आधा एपिसोड पूरा का पूरा बकचोदी में निकाल दिया। कुछ भी नहीं था यार इसके आधे एपिसोड में, सब कुछ सिर्फ बकवास बातें चल रही हैं। ऊपर से मैंने ये ओरिजिनल लैंग्वेज में देखा था, इसके ऊपर मुझे सबटाइटल्स भी पढ़ने पड़े थे जिसकी वजह से मेरा ध्यान कई बार इस पे से हट भी रहा था। लेकिन फिर भी एक हफ्ते इंतजार करने के बाद सारे के सारे सबटाइटल्स पढ़ने के बाद मैं ये एपिसोड देख रहा हूं और इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट लेके मैं आ रहा हूं। उसके ऊपर मुझे ये चीज देखने को मिल रही है, हीरो वर्सेस विलन के बीच में सिर्फ बातों की लड़ाई हो रही है, कोई अपनी तलवार यूज नहीं कर रहा, मतलब कर रहे हैं लेकिन वो कोई डीमन स्लेयर वाली चीज थोड़ी है। वो जितनी एक्सपेक्टेशंस मुझे इस एपिसोड से थी लिटरली मुइचिरो ने मुझे बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट किया है। एंड मैं सीरियसली बता रहा हूँ यार, ये कोई फाइट थी? इससे बढ़िया तो अपना तांजिरो लड़ रहा है वहाँ पे अपने घुटने तोड़वा के। एपिसोड 8 की एंडिंग में जो मुइचिरो वर्सेस तोकितो का थोड़ा सा फाइट सीक्वेंस दिखाया गया था वो मुझे काफी ज्यादा पसंद आया था। लिटरली जो बैक स्टोरी देखने के बाद थोड़ा सा एक्शन सीक्वेंस देखने का मजा मिला था वो सच में मजा था, लेकिन इस एपिसोड के अंदर मुइचिरो वर्सेस ग्योको वाला कुछ मजा नहीं मिला। लिटरली मैं यही कहूंगा कि वो फाइट इन लोगों ने टोटली बर्बाद कर दी। अगर वीडियो में तुम लोग यहाँ तक आ चुके हो तो एक रिक्वेस्ट मेरी मान लो प्लीज। तो अभी हाल ही में मेरे दोस्तों ने मिलके कुछ एक शो चालू किया था यूट्यूब पे, एंड उसके तीसरे एपिसोड में उन लोगों ने मुझे एज अ स्पेशल गेस्ट इनवाइट किया था वहाँ पर। तो मैं चाहूंगा कि तुम लोग वो एपिसोड जाकर देखो, कमेंट करो, लाइक करो और प्यार दो प्लीज, मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हो ना। थैंक यू सो मच। लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि इस फाइट की वजह से ये पूरा का पूरा एपिसोड ही बेकार है, बिल्कुल भी नहीं। मैंने कहा शुरुआत में कि इसके आधे एपिसोड को बर्बाद किया गया। जैसे ही ग्योको की डेथ हो जाती है उसके बाद इनका सीन शिफ्ट होता है तांजिरो, नेजुको और गैनिया में, जहाँ ये तीनों मिलके जोआक्यूटन से लड़ रहे हैं। एंड वो वाला सीन कसम से वो वाला कमाल था। जितना वेट था और जितना मेरा दिमाग खराब हुआ था मुइचिरो वर्सेस ग्योको देखने के बाद, वो सारा का सारा मेरा रिकवर हो गया था इस वाले सीन से। और एक तो वहाँ पे मित्सुरी की जो एंट्री हुई थी वो कमाल की एंट्री थी। मतलब सब लोग अपने अपने हार चुके हैं, हमेशा की तरह ऐसा ही होता है, सब लोगों की उम्मीदें खत्म हो चुकी है और उनको लगा है कि वो बस मरने ही वाले हैं। तभी बीच में अपनी एक और एक्ट्रेस, एक और मेन हीरो एंट्री लेता और फिर वो चीज जो दिखाई गई थी वहाँ पे, कसम से वो एक्शन सीक्वेंस देख के मजा आ गया था, झूठ नहीं बोलूंगा। एंड इसके जो एपिसोड 8 से मुझे शिकायत थी, वो शिकायत मुझे इस एपिसोड से बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उसके 8th एपिसोड में तुम लोगों को पता ही है कि एक ही कैरेक्टर के ऊपर पूरी स्टोरी दिखाई थी। पूरा का पूरा एपिसोड एक ही कैरेक्टर के ऊपर निकाल दिया था, जहाँ हम लोगों को नेजुको, तांजिरो, गैनिया और मित्सुरी कहीं भी नहीं दिखाए गए थे। लेकिन इस एपिसोड के अंदर हम लोगों को सब कुछ दिखाया गया है, मतलब हर एक कैरेक्टर, जो वो छोटा सा बच्चा था वो भी, उसके साथ वाला दोस्त भी, हागा नेजुका भी और वो बाकी के 5 मेन कैरेक्टर्स भी। एंड टोटली इस एपिसोड में जिस चीज ने मेरा दिल जीत लिया वो तो मित्सुरी तो थी ही थी, उसके साथ साथ मित्सुरी के जो फाइट सीक्वेंस थे, उसकी लव ब्रीथिंग जितनी कमाल की थी, वो सारी चीजें। अगर ओवरऑल मेरे को बताना हो कि इसका 9th एपिसोड मेरे को कैसा लगा तो बस इतना ही कहूंगा कि शुरुआत में बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा था, पर जैसे ही सीन शिफ्ट हो गया, एक बार एक्शन बदल दिए गए, स्टोरी दूसरे कैरेक्टर्स के ऊपर चली गई, तब उस चीज के बाद से लिटरली जो मजा आया है ना वो वर्थ इट था। तो बस यही थी आज की वीडियो। अगर तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक दो, शेयर दो, कमेंट्स में हो और हाँ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मैं तुमसे मिलूंगा किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए तुम मुझे क्या सुन रहे हो, देख लो डीमन स्लेयर।